आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग 4 एपिसोड 10 रावण और सीता। सीता जी का अपहरण करके रावण उन्हें लंका की ओर ले चला। सीता जी करुण विलाप करने लगीं। वे नीचे धरती की ओर देखतीं, अवेक्षमाणाम धरणी तलम, और बार बार अपनी कोमल वाणी में श्री राम तथा लक्ष्मण जी को पुकारती। उनके बाल बिखर गए थे और माथे का सिंदूर फैल गया था। उनका चेहरा फीका पड़ गया था, आंखें लाल हो गई थीं। यहां वाल्मीकि जी काव्य रूप में कहते हैं कि वन का कण कण विलाप कर रहा था। अगर सीता जी का ऐसे अपहरण हो सकता है तो समझो पृथ्वी पर कहीं भी धर्म और सत्य बचा ही नहीं है। नास्ति धर्मः कुतः सत्यम्। सिंह, बाघ और अन्य प्राणी आवेग में सीता जी की छाया के पीछे दौड़ने लगे। पक्षी विलाप करने लगे, वृक्ष जोर जोर से हिलने लगे, मानो वे सीता जी से कहते हों, मां भई डरो मत। सीता जी ने हिम्मत जुटाई और रावण से कठोर वाणी में कहा, बेशरम कायर, धिक्कार है तेरा, धिक ते शौर्यम। तूने पहले षड्यंत्र से मेरे पति को दूर किया, फिर चोर की तरह मेरा अपहरण किया, और जब वृद्ध जटायु मेरी सहायता करने आए तो उन्हें भी मार डाला। और फिर तीखा व्यंग करते हुए सीता जी बोली, परमं खलुते वीर्यम दृश्यते, कैसा महान शौर्य दिखाया है तूने, लेकिन अब तू भाग क्यों रहा है? अगर तू इतना ही शूर है तो क्षण भर ठहर जा, मुहूर्तम अपि तिष्ठत्वम्। एक बार श्री राम और लक्ष्मण तुझे देख तो लें, उनके तीरों से तू जल जाएगा, जैसे कोई पक्षी दावानल में जल जाता है। वैसे भी मेरा अपहरण तेरे लिए निरर्थक होगा, मैं श्री राम के बिना जीवित ही नहीं रह सकती। अपना भला चाहता है तो मुझे छोड़ दे, वरना श्री राम निश्चित ही तुझे ढूंढ कर मार डालेंगे। तेरे गले में यमराज का पाश मुझे दिख रहा है। फिर सीता जी ने सोचा कि श्री राम के लिए कैसे कुछ संकेत छोड़े जाएं जिससे वे उन्हें ढूंढ सके। इससे पहले उनकी पायल फिसलकर नीचे जंगल में गिरी थी, तो अब उन्होंने चुपचाप कुछ आभूषण उतारकर अपने उत्तरीय में लपेट लिए और वो पोटली नीचे एक पर्वत शिखर पर बैठे हुए कुछ वानरों के पास गिरा दी। वानर चकित होकर सीता जी को देखते रहे। रावण का ध्यान इस पर नहीं गया, वो तीव्र गति से रथ ले जा रहा था, जैसे धनुष से निकला हुआ कोई बाण। पंपा सरोवर के ऊपर से जाते हुए उन्होंने अनेक जंगल और नदियां पार की, फिर समुद्र को लांघा और अंत में वे लंकापुरी पहुंच गए। रावण सीता जी को अपने महल में ले गया। वहां अंतःपुर में उन्हें बंदी बनाकर कुछ राक्षसियों को उन पर नजर रखने के लिए कहा, मेरी अनुमति के बिना यहां कोई भी प्रवेश न करे, इन्हें वस्त्र आभूषण और जो कुछ चाहिए दे दो। अगर किसी ने जाने या अनजाने में भी इनसे कोई अप्रिय बात कही तो वो जीवित नहीं रह सकता। फिर रावण ने बाहर आकर अपने विश्वासपात्र 8 राक्षसों को आदेश दिया, तुम सब जनस्थान जाओ, पता लगाओ राम क्या कर रहा है, मुझे उसकी खबर देते रहना। सावधान रहना और राम पर वार करने का अवसर देखते रहना। उसने खर को मारा है, वहां की मेरी सारी सेना भी नष्ट की है। निर्यातयितुम इच्छामि, मुझे बदला चाहिए, मैं उसे मार कर ही रहूंगा। रावण खुश था कि उसकी योजना अब तक अच्छी चली थी। याद रखिए, उसने सीता जी का अपहरण 2 कारणों से किया था, एक खर की पराजय का बदला और दूसरा
एक परम सुंदरी को अपनी पत्नी बनाना। अब इस दूसरे उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए वो सीता जी से मिलने गया। सीता जी के विचार से उसके मन में गहरी वासना उत्पन्न हुई थी। वो सीता जी को बलपूर्वक अपना भव्य महल दिखाने लगा। इस राजमहल में अनेक भवन थे। इनमें हाथी दांत, सोने, चांदी, हीरे से जड़े खंबे थे। फर्श पर भी सुंदर स्फटिक मणि जड़े हुए थे। खिड़कियां हाथी दांत और चांदी की बनी थीं। उनमें सोने की जालियां थीं। आंगनों में रमणीय बावड़ियां थीं। महल में मधुर संगीत गूंज रहा था। सेवा के लिए हजारों दासियां थीं। रावण सीता जी को एक सोने की सीढ़ी से ऊपर ले गया। वहां गर्व से अपने महल का विस्तार दिखाते हुए बोला, सीते, मैं राक्षसों का स्वामी हूं। मेरी बहुत सी रानियां हैं, लेकिन मैं तुम्हारा विचार मन से निकाल नहीं पा रहा हूं। हे सुंदरी, मेरी रानी बन जाओ। क्यों उस राम के लिए विलाप करती हो? उसने तो अपना राज्य खोया है, तपस्वियों जैसा रहता है। वो यहां आकर तुम्हें बचाएगा, ये तो असंभव है। केवल मैं ही तुम्हारा पति बनने योग्य हूं। विश्व भर में कोई भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता। मेरी बन जाओ, मेरे साथ इस विशाल साम्राज्य पर राज करो और लंका में जीवन का आनंद लो। सीता जी रो रही थीं। तब रावण बोला, तुम्हारे सुंदर मुख पर ये आंसू शोभा नहीं देते। सीता जी ने मुंह फेर लिया, पर वो बोलता रहा, देखो, मैं तुम्हारे सुंदर चरणों में अपना सिर झुकाता हूं। मैंने किसी भी स्त्री के सामने पहले कभी ऐसा नहीं किया है। मेरी बात मान लो, तुम्हारा दास बनके रहूंगा। और रावण ने सोचा, मम इयम, अब ये मेरी हुई। लेकिन सीता जी की प्रतिक्रिया तो और ही थी। सा तथोक्ता तु वैदेही निर्भया शोककर्षिता तृणमंतरतरः कृत्वा रावणं प्रत्यभाषत। सीता जी डरी नहीं, वे थी निर्भया। उन्होंने अपने और रावण के बीच घास का एक तिनका रखा और उस तिनके को संबोधित करते हुए रावण को कड़ा उत्तर दिया। उन्होंने रावण को सीधे उत्तर देने के लायक भी नहीं समझा। वे बोली, श्री राम मेरे पति हैं और मेरे लिए पूजनीय हैं। मुझे विश्वास है कि वे मुझे यहां से अवश्य छुड़ाएंगे। अगर उनकी उपस्थिति में तूने मेरा अपहरण करने का प्रयास किया होता तो अब तक तू मरा पड़ा होता, खर की तरह। श्री राम अब लक्ष्मण के साथ निश्चित ही यहां आएंगे। उनके बाण तेरे इस गर्व और दर्प को चूर कर देंगे। तू भी मारा जाएगा और तेरा राज्य भी नष्ट होगा। लेकिन सीता जी जानती थी कि अभी तो वे अकेली हैं और रावण कुछ भी कर सकता है। तो उन्होंने कहा, इदम शरीरम निस्संज्ञम बंधवा घातयस्ववा। इस शरीर में चेतना नहीं है, ये जड़ है। तू इसे बांध कर रख या काट डाल। यहां तक कि मुझे भी अब इस शरीर में कोई रुचि नहीं है। ये मैं नहीं हूं। तू मुझे कभी पा नहीं सकता, छू तक नहीं सकता। ऐसा था सीता जी का धैर्य। रावण इतना शक्तिशाली था, फिर भी उन्हें दबा नहीं पाया। ये फटकार सुनकर रावण ने सीता जी से विनती करने का ढोंग छोड़ दिया और राक्षसियों को पहले से उल्टा आदेश दिया, ले जाओ इसे अशोक वाटिका में। इस जंगली हथिनी को वश में करो। पहले इसको डराना धमकाना, फिर थोड़ी नरमी से मीठे वचन बोलना। इसका धैर्य तोड़ डालो। और सीता जी को रावण ने यह भयानक चेतावनी दी, मिथिलेश कुमारी सुनो,
मैं तुम्हें 12 महीने का समय देता हूं, मुझे स्वीकार कर लो, वरना ततस्त्वाम प्रातराशार्थम सुदाश्चेत्स्यन्तिलेशशः। सुबह के नाश्ते के लिए मेरे रसोइये तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। इति ह आस, ऐसा ही हुआ था।